स्वागत करते हैं आपका अपना YouTube चैनल टूर अपडेट में। आज के इस वीडियो में बात करेंगे अनदर जॉब अपडेट के बारे में, जो कि झारखंड ब्लॉक लेवल वैकेंसी होने वाली है। झारखंड सरकार द्वारा ये वैकेंसी निकाली गई है। ब्लॉक कोऑर्डिनेटर एंड कंप्यूटर ऑपरेटर का वैकेंसी है और ये जो है ऑनलाइन जो है अप्लाई करने की प्रोसेस होगी। तो चलिए इसकी नोटिस दिखाते हैं और सारी इन्फॉर्मेशन एक एक करके बताते हैं। तो उससे पहले यहाँ पे हम नोटिस आपको दिखाएं, तो अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर कर दें। तो चलिए इसकी नोटिस सारी इन्फॉर्मेशन देते हैं। जैसे कि ये देख पा रहे हैं, ये नोटिस निकाली गई है जिसमें से प्रखंड समन्वयक का निकाला गया है, जो कि ये ब्लॉक कोऑर्डिनेटर का है। इसमें अगर बात करें तो इसकी जो वेतन होगी वो 18,000 रुपये पर मंथ रखी जाएगी। 22 से 45 वर्ष के कैंडिडेट अप्लाई कर पाएंगे। इसकी शैक्षणिक योग्यता की अगर बात करें तो मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्था से, जो कि रूरल मैनेजमेंट या को ऑपरेटिंग सोशल वर्कर के, ये आपका ग्रेजुएशन की डिग्री आपके पास होनी चाहिए। साथ ही साथ यहाँ पे एक वर्ष की कार्य अनुभव भी रखी गई है। बात करें इसकी, यहाँ पे देख पा रहे हैं कि ये जो है एक वर्ष का ये आपका कार्य अनुभव रखा गया है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। नेक्स्ट अगर पोस्ट की बात करें तो ये आपका कंप्यूटर ऑपरेटर का निकाला गया है, जिसमें से आपका यहाँ पे 10,000 रुपये पर मंथ दी जाएगी। 18 से 30 वर्ष के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। इसकी अगर बात करें तो मान्यता प्राप्त बोर्ड से संस्था से कॉमर्स विषय में आपका इंटरमीडिएट का डिग्री होनी चाहिए। साथ ही साथ डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन में आपका यहाँ पे 6 माह का ये जो है आपका कोर्स होनी चाहिए। साथ ही 6 माह का जो है कंप्यूटर ऑपरेटर, ये आपका यहाँ पे कार्य अनुभव रखी गई है, ठीक है। और हिंदी और इंग्लिश में टंकत क्षमता जो कि अनिवार्य रखा गया है। नेक्स्ट यहाँ पे बात करें तो एज का जो गणना है आपका 1/9/2022 से की जाएगी, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। और यहाँ पे 10th और 12th जो है आपका झारखंड राष्ट्र अवस्थित मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान से उत्तीर्ण होना यहाँ पे आवश्यक रखी गई है, ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। अप्लाई करने की प्रोसेस अगर बात करें तो ये जो है पोर्टल है, इस पोर्टल के माध्यम से अप्लाई करना है, ठीक है, जो कि ऑनलाइन यहाँ पे अप्लाई करनी है आपको। और डेट की अगर बात करें तो 19/9/2022 से 26/9/2022 जो है ये आपका अंतिम डेट रखी गई है, ठीक है। तो ये जो वेबसाइट है, इस वेबसाइट के थ्रू आप यहाँ एप्लीकेशन अप्लाई कर सकते हैं। आज के लिए इन्फॉर्मेशन इतना ही था। किसी प्रकार की कोई डाउट्स प्रॉब्लम हो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।